विरोधी बोल रहे हैं, क्या कि बीजेपी ने देश को बेच दिया है, रेलवे बेच दिया है, सब कुछ बेच दिया, रिलायंस बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, कहता कि उन्होंने गिरवी रखा हुआ देश को। कांग्रेस बोल रही है कि हमने 70 साल में क्या कि जो पेट्रोल है वो 60 रुपये था, क्या इन्होंने 7 साल के बीच में ही क्या 100 से ऊपर कर दिया। उन्होंने बोल दिया कि सिलेंडर 350 था, इन्होंने 1000 रुपये कर दिया। क्या कौन सी बात कर रहे हो कि पंजाब को बचाने। किसान भी आपके ऊपर दोष लगा रहे हैं, क्या 600-700 किसान शहीद करवा दिए बीजेपी ने, क्या अगर कानून पहले रद्द कर देते क्या हमारे किसान बच जाते। लाइव तो नहीं है, लाइव तो नहीं है, लाइव तो नहीं है, मैं बहुत कड़वा बोलूंगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी बोल रही है कि सरकार बनानी है हमने, क्या पंजाब को बदलना है, क्या इन्हों सब सरकारों ने लूटा है, क्या इन्होंने इनको क्या हमने दिल्ली में सब सिखाया है, क्या दिल्ली में 3 बार सरकार बनाई है, अभी पंजाब में बनाई। आप तो अपने आप में लुटेरी है और अभी आपके आगे कई केस खुल लिए कहीं भी ये भी दोष लगते हैं, क्या कि कोई कैंडिडेट या कोई उम्मीदवार नहीं मानता क्या बीजेपी में आने के लिए, उसके ऊपर ईडी छोड़ दी जाती है। पंजाब दे विच 2022 दी चोणां दा माहौल भखिया होया, इस नूं लैके वख-वख सियासी पार्टियां पिंडां शहरां दे विच अपना अपना चोण प्रचार कर रहियां ने, तां जिथे अकाली दल चोण प्रचार कर रहा है ते नाल दी नाल कांग्रेस आम आदमी पार्टी, दूजे पासे बीजेपी भी इस बार चोणां बढ़ चढ़ के लड़ रही है पंजाब दे विच, ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पंजाब दे विच आए सी, नाल दी नाल अमित शाह पंजाब दे विच पहुंचे ने, बड़ी हस्तियां जिहड़ियां सेंटर गौरमेंट तों पहुंचदियां ने, ते अज्ज साडे नाल हरियाणा शिक्षा मंत्री कंवरवाल गुज्जर साडे नाल ने। मुल्लांपुर दे पहुंचे हो, किन्ने को लोगों ने ज्वाइनिंग की है बीजेपी? देखिए गिनती तो नहीं, लेकिन काफ़ी अच्छी संख्या में लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन किया, और मैडम जो गर्चा जी हैं वो पहले कांग्रेस में रही, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, आज उन्हीं के नेतृत्व में आज बड़ी संख्या में लोगों ने ज्वाइन किया। बीजेपी का क्या विजन है पंजाब के लिए? बीजेपी का विजन तो पूरे देश के लिए, और जो पूरे देश के लिए विजन है वही पंजाब के लिए विजन भी है। हमारा तो लक्ष्य ही है कि देश को जो है विश्वगुरु बनाना, उसके लिए काम करना, और वो हमारा लक्ष्य ये है कि जब पूरे सभी प्रदेश तरक्की करेंगे तभी हो सकता है। आगे बोलते राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हो, नहीं हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत है, क्या है हिंदू थोड़ी रहेंगे, हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत है, ये देश जो है ना जी, मतलब इसकी जो पहचान, हिंदू को आप क्या मान रहे, कोई संप्रदाय मान रहे हिंदू को? अगर मैं बाहर जाऊंगा आरएसएस कब्जा करना मान, मैं बाहर जाता हूं तो मैं अपने आप के साथ क्या लिखता हूं, इंडियन लिखता हूं, हिंदुस्तान में चाहे हिंदू लिख लूं चाहे इंडिया लिख लूं, उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? क्या फर्क पड़ता है, मतलब उसको क्या मान रहे, उसको कोई पंथ मान रहे क्या, मतलब क्या मान रहे, उसको रिलीजन मान रहे आप, या उसको आप मजहब मान रहे, क्या मान रहे हिंदू को? विरोधी पार्टियां आप ऐसे तंज कसती हैं कि आरएसएस का कब्जा करवाना चाहते हैं पंजाब पे भी, क्या बीजेपी, यही दोष है आपके? गुरु सिंह महाराज ने क्या कहा, सकल जगत में खालसा पंथ जागे, जगे धर्म हिंदू तुरक धुंध बाजे, तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा ना, तो मैं तो नहीं कहा, हम तो नहीं की संतान है, तो जब उन्हें कह रखा तो मैं उसमें, मैं अलग उसमें क्या कह दिया, तो उसमें कुछ नहीं है, हिंदू कोई पंथ संप्रदाय नहीं है, हिंदू किसी ने नाम, जो जो बाहर से लोग आए, इस देश का नाम पहले भारत था, आर्यव्रत था, जो बाहर से आए उन्हें इसका नाम रख दिया, मेरा नाम कंवरपाल, मैंने अपने आप थोड़ी रखा, लोगों ने रख दिया कंवरपाल मेरा नाम, मैं कंवरपाल बन गया, ऐसे ही हिंदू भी है, तो ये एक हमारी पहचान बन गई, एक देश है, एक कल्चर है हमारा, उसका संस्कृति है हमारी, उसका नाम हिंदू रखा गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है कि हिंदू राष्ट्र बनने से कोई देखिए, हिंदू राष्ट्र तो है ही, बनना क्या था इसका, है आज भी हिंदू राष्ट्र ही है, आज क्या दिक्कत है इसमें, और हिंदू कोई पक्षपात करता है क्या, कभी आपको देखा कोई कोई पक्षपात करता देखा कोई? यहाँ से जितने भी मत मतांतर भी हुए चाहे वो कोई भी है, उन्होंने कभी नहीं, क्या सिखों ने कराया कभी, क्या जैनियों ने कराया कभी, क्या बौद्ध ने कराया कभी, यहाँ जो भी हैं हमारी सब की सोच, जो इस देश के हैं उन सब की सोच क्या है कि परमात्मा एक है, उसको हमने प्राप्त करना, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, कभी किसी ने कहा कि आप बन जाओ इधर, किसी को बहकाया हो, किसी सिख ने किसी को बहकाया कि तू सिख बन जा, यहाँ तो सिर देना पड़ा जब सिख बना, यहाँ तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने भी खालसा सजाया ना, तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने भी नीचे बैठ के प्रार्थना करी कि मुझे भी खालसा बना लो। विरोधी बोल रहे हैं, विरोधी बोल रहे हैं क्या कि बीजेपी ने देश को बेच दिया है, रेलवे बेच दिया है, सब कुछ बेच दिया, रिलायंस बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, कहता कि उन्होंने गिरवी रखा हुआ देश को। जितनी तरक्की बीजेपी के टाइम में हुई इतनी कभी तरक्की नहीं हुई, आज के आपके सामने है कि चाहे दुनिया में की स्थिति है, दुनिया में जिस प्रकार से नाम बढ़ा, चाहे सैनिक स्थिति है, चाहे डेवलपमेंट की है, चाहे आपकी सड़कें हैं, चाहे कोई भी चीज़ है, हर चीज़ में जिस प्रकार की तरक्की वो आज आपके सामने, ये तो रुक कह रहे थे लाल किला बेच दिया हमने
वो भी देख लो जाएगा। अगर स्टेशन में कोई सुधार हम कर रहे तो जो इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया था पिछले टाइम में, आज अगर हम सुधार कर रहे उसमें क्या, और सुधार करना कोई हमने नहीं, पहले हमारे से पहले भी जिस टाइम नरसिम्ह राव जी की सरकार बनी और नरसिम्हा राव जी से पहले जो कांग्रेस ने हालात देश के कर दिए थे उस टाइम हमारे पास 15 दिन के लिए भी देश मनी थी, लेकिन उसके बाद नरसिम्हा राव जी ने परिवर्तन किया और मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री बनाए, उन्होंने उदारीकरण चलाया, हमने कोई विरोध नहीं करा कभी उसका, हमने कहा है राष्ट्रहित में चलना चाहिए। आज हम कर रहे हैं तो ये झूठ पकाने का काम कर रहे हैं, चाहे 3 कानून के बारे में बात है उसमें भी झूठ पकाने का काम कर रहे हैं, जो दूसरे उसमें पकाने का काम कर रहे हैं, तो इनके पास कोई सच्चाई नहीं, कहीं डिबेट में ये टिक नहीं सकते। कांग्रेस बोल रही है कि हमने 70 साल में कह कि जो पेट्रोल है वो 60 रुपये था, कह इन्होंने 7 साल के बीच में ही कह 100 से ऊपर कर दिया। हाँ, दूसरा उन्होंने बोल दिया कि सिलेंडर 350 था, इन्होंने 1000 रुपया कर दिया, कह कौन सी बात कर रहे हो कि पंजाब को बचाने की। आज मैं अभी आप गूगल से सर्च करियो, जो मैं बोलूंगा ना उसको आप गूगल से देख लियो, मैं आपको बता रहा जो पेट्रोल का रेट था, पूरा पंजाब को बता के चले जाओ। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, जब वाजपेयी जी की सरकार थी पेट्रोल था 36 रुपये, डीजल था 24 रुपये, जब इनकी सरकार गई तो पेट्रोल था 72 रुपये 26 पैसे और डीजल था 55 रुपये 48 पैसे, आज 2022 में 95 रुपये पेट्रोल है और 86 रुपये 36 पैसे डीजल है। अब आप वाजपेयी जी के पेट्रोल डीजल को दुगुना कर दो, 24 रुपये था 48 कर दो, तो लेकिन है कितना 55 रुपये 48 पैसे, यानी कि 2.5 गुना है। अब इनके पेट्रोल को इनके डीजल को दुगुना कर दो तो कितना बनेगा, 111 रुपये, है कितना 86 रुपये, तो हमारे टाइम में परसेंटेज वाइज इनके टाइम से कम बढ़ा। इनके टाइम में जो महंगाई थी वो 12% थी, 11.98 थी इनके टाइम में, आप रिकॉर्ड निकाल के देख लो। सिलेंडर बारे में बता दूं, सुन लो सिलेंडर का बता रहा, पहले ये सुन लो 11.98 थी, मारे में 5.9 है, यानी कि 6% लगाओ आप, मारे टाइम में महंगाई की दर है वो 6% है, इनके में थी 12%। और गैस का सिलेंडर भी ले लो, सारे डाटा लेके आयो साथ में। मैं यूपी में बोल गया, 2004 में 269 रुपये था, गूगल पर सर्च करिए जो कुछ मैं बोल रहा, और 2014 में 1244 रुपये का था, आज 909 रुपये का है, इनके टाइम में ज़्यादा था हमारे टाइम में कम है। तो ये जो बकाने का काम कर रहे, और इनके टाइम में गैस गांव में आदमी ले नहीं सकता था, कानून नहीं ले सकता था, अगर गैस गांव में मिलनी शुरू हुई तो भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में सी, हमने फैसला किया कि हर घर में गैस देंगे, हमने 9 करोड़ सिलेंडर गैस के दिए, ये काम हमने किया कि हर घर में गैस होगी। आज ये कहते फिर कि गैस तो दे दी लेकिन महंगी कर दी, और ये सारी परिस्थितियाँ जो हैं कोरोना के 2 साल के बावजूद हैं, इनके टाइम में कोई ऐसी स्थिति नहीं आई, हमने कोरोना के बावजूद ऐसी स्थिति के बावजूद भी इतना कंट्रोल किया कि महंगाई 6% है, अगर कोरोना ना रहता तो महंगाई 4% पर रहती। अच्छा, किसान भी आपके ऊपर दोष लगा रहे हैं, क्या 600-700 किसान शहीद करवा दिए बीजेपी ने, क्या अगर कानून पहले ही रद्द कर देते क्या हमारे किसान बच जाते? लाइव तो नहीं है, नहीं। मैं बहुत कड़वा बोलूं, लोग कह रहे हैं ना जी कि हमने किसान कत्ल कराए दिए, तो वो अपने गिरेबान में जाके देखें किसान किस वजह से मरे हैं। सरकार ने ना किसी को लाठी मारी, ना कहीं गोली चलाई, सरकार ने कोई भी बल प्रयोग कहीं भी किया नहीं है, तो अगर उसकी जांच करेंगे तो उसके लिए दोषी यही लोग हैं, जिन लोगों ने जो लोगों ने बुजुर्ग लोगों को वहाँ के बिठाया और सड़कें खोद दी, बहुत दोष ला रहे हैं हरियाणा में सड़कें खोद दी, क्या खट्टर जी ने आपके सरकार के ऊपर दोष लगते हैं हरियाणा सरकार, तो इसलिए सरकार ने सड़कें, मेरी बात सुनी, अगर आप पुराना इतिहास ठा के देखेंगे ना, अगर ऐसे ही आंदोलन, मुझे कोई आज तक के आज़ादी के से लेके आज तक कोई मुझे ऐसा आंदोलन बता दो जिसमें बैरिकेड ट्रैक्टर के साथ तोड़े गए हों, एक घटना बता दो कोई भी, पहली बार ट्रैक्टरों से बैरिकेड तोड़ दिए लेकिन सरकार ने फिर भी बल प्रयोग नहीं किया, ये पहली सरकार है जिसने बल प्रयोग नहीं किया। पंजाब में आम आदमी पार्टी बोल रही है कि सरकार बनानी है हमने, क्या पंजाब को बदलना है, क्या इन्हों सब सरकारों ने लूटा है, क्या इन्होंने इनको क्या हमने दिल्ली में सब कुछ सिखाया है, क्या दिल्ली में 3 बार सरकार बनाई है, अभी पंजाब में बनाई, आप तो अपने आप में लुटेरी है, और अभी आपके आगे कहीं केस खुल लिए कि कहीं उसको युवा मोर्चे का अध्यक्ष बनाने के पैसे ले लिए, कहीं के पैसे ले लिए, आपके यहाँ से काफ़ी घटनाएं हैं, और यहाँ से जो MLA था वो आप पार्टी का MLA था, और मैंने अभी लोगों से पूछा कि भाई आपने MLA देखा, वो बोले जी हमने 5 साल में नहीं देखा, अब जो कैंडिडेट दी तो मैंने कहा इसको कैंडिडेट को जानते हो, बोले जी हम नहीं जानते, इस पूरे हलके का कोई एक आदमी ऐसा कहे कि जब मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, कोई नहीं जानता, अगर कैंडिडेट को ये कह दे कि मुल्ला पर जाना, और कैंडिडेट को किल्ली कह दे कि आपने जाना मुल्ला पर, अगर वो मुल्ला पर आ जाए तो मान लेंगे वो सही कैंडिडेट है, उसको यही नहीं पता कि हल्का है कहाँ कहाँ नहीं, तो अगर ऐसे लोगों को हम MLA बना देंगे तो फिर क्या होगा। बीजेपी में ये भी दोष लगते हैं कि कोई कैंडिडेट या कोई उम्मीदवार नहीं मानता कि बीजेपी में आने के लिए, उसके ऊपर ED छोड़ दी जाती है,
क्या ईडी का जोर डाला जाता है, क्या आपका सारा खुलासा करेंगे? ईडी कोई सरकार के अंडर इस प्रकार से काम नहीं करती। ईडी अपनी जांच करती रहती है और अगर चुनाव के दौरान भी कार्रवाई करती है तो वो अभी बात चल रही थी कि भाई चुनाव के दौरान छुट्टी कर देगा, अभी कुछ ही लूटपाट करो ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। अगर उनके दिनों में याद आती है कार्रवाई करी तो ईडी ने पैसे मिले ना वहां से, और कई बार ऐसे भी उत्तर नहीं भी मिलते लेकिन सूचनाएं होती है, लेकिन अपनी सूचनाओं पर काम करती है, सरकार के अंडर काम नहीं करती। सन हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुजर जिन्हों वालों दसा गया कि बीजेपी सरकार बनावेगी पंजाब दे विच लगातार ज्वाइनिंगा हो रही ने, पंजाब दे विच वड्डे उम्मीदवार बीजेपी शामिल हो रहे ने, तो इन्होंने जो दस्या दोष लगे सी कि इन्हां दी बीजेपी सरकार दे उत्ते तां सारे जवाब इन्होंने दिता है, तो यह जवाब थोनों किन्ने स्पष्ट लगे ने? वध तो वध लाइक शेयर कमेंट करो, तो नाल दी नाल साडे चैनल नूं सबसक्राइब कर लो। थोड़े नाल कैमरा जशन दे नाल हरतेज सिंह तेजी, HN1 न्यूज़।